हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवर ऑफ शास। आज मैं आपके साथ अपने स्टाइल में अरबी के पत्तों की वड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये गुजराती रेसिपी है जिसे जो है पात्रा के नाम से जाना जाता है। ये जो मानसून की जो है खास रेसिपी है, आज मैं आपके साथ विद टिप्स और ट्रिक के साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी को। जो है बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैंने 350 ग्राम जो है बेसन लिया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम उसमें थोड़ा सा जो है मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है मैंने एक छोटी साइज का लहसुन लिया है, और यहाँ पर जो है मैंने तीखे के हिसाब से जो है 8 से 10 जो है हरी मिर्च ली है। आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जीरा लिया है। इसे पीस कर जो है हम मसाला तैयार कर लेंगे। हल्का सा हम इसमें पानी डाल देंगे। अब ये जो मसाला हमने पीसा है ये बेसन में हम डालेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने 3/4 कप जो है नॉर्मल घर के चावल लिए हैं। इसे जो है मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। इस चावल हम उसमें ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो है वड़ी हमारी काफी कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर मैंने सेम मिक्सिंग जार ले लिया है। चावल को जो है हम इसमें डाल देते हैं। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो जो है इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसे जो है बारीक सा जो है हम इसे पीस। अब ये जो है हम बेसन में ऐड कर देंगे। अब उसके बाद यहां पर जो है मैंने नींबू की साइज की इमली को जो है पानी में भिगो कर रखा था, उसका जो है मैंने पल्प तैयार कर लिया है। लगभग आधा कप है, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसे डालने से जो है इमली का पानी इसमें डालना जरूरी है, क्योंकि जो है कभी कभी इसे खाने से गले में खराश होती है। इमली का पानी डालने से जो है गले में इसे खाने से जो है खराश नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ली है, ये हम इसमें डाल देते हैं। बाद यहाँ पर जो है 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। आप अपने तीखे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी ऐड की है। इसलिए जो है यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की है। इससे जो है बहुत ही बढ़िया सा उसमें एक कलर सा आएगा, ये हम इसमें डाल देते हैं। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। इसे आपस में सबसे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और कंसिस्टेंसी के हिसाब से चेक कर जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जो है हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा बेसन का घोल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ज्यादा बैटर जो है ना गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए। यहाँ पर जो है बेसन का घोल बनकर बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मैंने कुछ अरबी के पत्ते लिए हैं, सभी साइज में है, बड़ी छोटी साइज में। इसे जो है मैंने अच्छे से धुल लिया है, और इसकी डंठल को भी जो है मैंने पीछे से कट कर लिया है। अब ये जो हल्का सा जो है इसका जो ये सख्त वाला जो हिस्सा है, इसे भी जो है हम हल्का सा रिमूव कर देते हैं। या तो जो है आप बेलन की मदद से जो है इसे हल्का सा रोल भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो है मैंने एक बड़ी साइज का पत्ता ले लिया है। सबसे पहले उल्टी साइज से यहाँ पर जो हमने मिक्सर तैयार किया है, उल्टी साइड से जो है हम उसके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा कर अप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम दूसरा पत्ता ले लेते हैं, और इसे जो है हम उसकी उल्टी वाली साइड पर जो है इस तरीके से रख देते हैं।
अब इस पर बीज जो है हम अच्छी तरीके से घोल को स्प्रेड करेंगे। इसी तरह जो है हमें तीसरा वाला पत्ता भी ले लेंगे। उसके बाद चौथा वाला पत्ता हम ले लेते हैं, उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। उस पर भी जो है हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसन के घोल को जो हमने अच्छी तरीके से सारी जगह अप्लाई कर दिया है। अब इसे जो है हम रोल करेंगे। सबसे पहले जो है साइड से जो है हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस पर जो है बेसन के घोल को हम अप्लाई कर देते हैं। दूसरी साइड से भी जो है हम सेम इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ऊपर से जो है इसे जो है हम इस तरीके से राउंड करते हुए हल्के से प्रेस करते हुए जो है फोल्ड करते जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया सा जो है हमने इसे जो है रोल कर लिया है जो है स्टीम करने के लिए। चलिए अब जो हम इसे स्टीम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने पतीले में पानी बॉईल होने के लिए रखा था, यहाँ पर जो है मैंने एक छन्नी ले ली है, ये हम इस पर रख देंगे। आप जो है इडली के सांचे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में जो है अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है, ये ऊपर से जो है हम और हल्का सा जो है बेसन का घोल जो है अप्लाई कर लेंगे। अब जो है हम इसे इस पर रख देते हैं। इसे जो है एक ढक्कन की मदद से जो है हम अच्छी तरीके से कवर कर लेते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए जो है इसे अच्छी तरीके से हम स्टीम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 12 से 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से जो है अंदर तक जो है अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है, बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब हम हमारी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे जो है पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमने जो है इसे डिमोल्ड कर दिया है और ये पूरी तरीके से जो है ठंडी भी हो चुकी है। अब जो है हम इसे पतला पतला स्लाइस में जो है कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसे इस साइज में कट कर लिया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से मोटा पतला इसे रख सकते हैं। आप जो है इसे फ्रिज में इस तरह जो है बनाकर स्टोर भी कर रख सकते हैं। चलिए अब जो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। सबसे पहले जो है 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें तेल डाल देते हैं। यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, अब एक एक करके जो है हम इसमें फ्राई करेंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर बढ़िया सा जो है गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक जो है हम इसे अलट पलट कर जो है फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो है एक साइड से बढ़िया सा जो है
गोल्डन ब्राउन सा जो है कलर आ चुका है, बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुका है। अब जो है हम इसकी साइड को जो है टर्न कर लेते हैं। साइड से भी जो है हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक जो है अच्छी तरीके से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। सकते हैं बढ़िया तरीके से जो है बड़ी हमारी फ्राई होकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम हमारी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे जो है साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मजेदार था जो है आलू की वड़ी बनकर बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और इस मानसून आप जो है मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना खूब सारा ख्याल रखें।